टेबल पर ये जो चीज रखी है वो है DIY मोशन सेंसर बजर अलार्म। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है अजिंक्य और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ 200 रुपए में आप ये मोशन सेंसर अलार्म कैसे बना सकते हो। सो गाइस, बेसिकली ये सिर्फ 2 मिनट में बनने वाला बहुत ही सिंपल DIY प्रोजेक्ट है और आपको जरूर पसंद आने वाला है। इस मोशन सेंसर अलार्म को दोस्तों आप बाइक में लगा सकते हो, घर में लगा सकते हो, शॉप में लगा सकते हो या जहां पर भी आपको लगता है कि ये जगह सस्पिशियस है वहां लगा सकते हो। इसमें PIR मोशन सेंसर का यूज है तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि एनिमल्स की मोशन भी ये डिटेक्ट करेगा। तो अगर आपको ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स की भी मोशन सेंस करने वाला प्रोजेक्ट चाहिए, दिस DIY प्रोजेक्ट इज बेस्ट। यहां हमें सिर्फ 2 चीजें लगेंगी इस प्रोजेक्ट के लिए। ये है सोलर वॉल लाइट जो आपको Amazon पर 160 रुपए तक मिल जाएगा। सेलर जो कम प्राइस देता है और जेन्युइन है वो एक बार चेक कर लेना दोस्तों। सेकेंड है एक 3-24 वोल्ट का बजर अलार्म, ये आपको 40 रुपए तक लोकल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में मिल जाएगा। वैसे दोनों की परचेस लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। बजर अलार्म आप आपके हिसाब से खरीद सकते हो बट मैं रिकमेंड करूंगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए 3 वोल्ट मिनिमम वोल्टेज वाला ही यूज करो। तो बस यही 2 चीजें लगेंगी हमें। स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोट, ये प्रोजेक्ट सिर्फ रात या शाम के टाइम ही ऑपरेट होगा क्योंकि इसमें सोलर पैनल का यूज है और डे एंड नाइट सेंसर है। दिन में ये सोलर एनर्जी से चार्ज होगा। सो दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली फॉर नाइट टाइम एप्लीकेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये सोलर पैनल ऐसे फंक्शन करता है, इसे ऑन करने के बाद इसमें लगी LEDs 2 बार ब्लिंक होंगी और फिर ऑन रहेंगी। डिले टाइम इज 30 सेकेंड्स और फिर ऑफ होने के बाद मोशन डिटेक्ट होने के बाद ही ये ऑन हो जाएंगी फॉर 30 सेकेंड्स। और यहाँ सोलर पैनल है जो दिन में इसके अंदर की बैटरी चार्ज करेगा, तो दिन में इसका आउटपुट जो है वो ऑफ रहेगा। इसे खोलते हैं अभी। इसके पीछे 2 स्क्रूज लगे हैं, स्क्रू ड्राइवर से आराम से निकल जाएंगे। ये है 3.7 वोल्ट 1200 mAh लिथियम आयन बैटरी जो फुल चार्ज पर आपको 4.2 वोल्ट देगी। ये 2 वायर्स कनेक्टेड है सोलर पैनल से और ये 2 वायर्स कनेक्टेड है LED पैनल से। PIR सेंसर इसमें जो लगा है दोस्तों वो आपको 120 डिग्रीज डिटेक्टिंग रेंज देता है और 3 मीटर का डिटेक्टिंग डिस्टेंस देता है। तो सबसे पहले इस पैनल को डिटैच करना है। ये बहुत ही पतला LED पैनल है दोस्तों, ये स्टेप आपको बहुत ही आराम से टाइम लेके करना है क्योंकि पैनल टूट भी सकता है। ये ग्लू से चिपका होता है इसलिए आपको निकालने में थोड़ी तकलीफ जा सकती है। निकल गया। अब इन 2 वायर्स को कट कर लेंगे। पैनल को किसी और प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। अब सिंपली पॉजिटिव वायर को बजर की पॉजिटिव वायर से लगानी है और नेगेटिव वायर को बजर के नेगेटिव वायर से लगानी है। हो गया। अब आप हॉट ग्लू की जगह सिंपल डबल साइडेड टेप से भी इस बजर को इसके ऊपर चिपका सकते हो। अपना प्रोजेक्ट रेडी है गाइस। दिन में चार्ज करो ताकि बजर अलार्म जोर से बजे। 8 घंटों का मैक्सिमम चार्जिंग टाइम इसको लगेगा डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट। तो चलो एक बार टेस्ट करते हैं। ये किया मैंने ऑन। तो इनिशियली ये साउंड करेगा, अभी ये रुक गया है। अब जैसे ही मैं मूवमेंट करता हूं ये ऑन हो जाएगा। सो गाइज, अभी कमेंट में आप में से बहुत दोस्त पूछेंगे कि अगर चोर को ये अलार्म दिख जाए तो क्या होगा, फॉल्स ट्रिगर अगर हो जाए तो क्या होगा, ये अलार्म कितना डेसिबल तक साउंड कर पाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये अलार्म ऐसी जगह लगा सकते हो कि किसी और को आपके अलावा दिखे ही ना। सेकेंडली, आप सोलर पैनल की और साथ ही इस बजर की वायर एक्सटेंड कर सकते हो ताकि आप इनको अलग अलग जगह प्लेस कर पाओ। अब ज्यादा भी एक्सटेंड नहीं करनी है, उसकी वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा और जितनी क्वालिटी का आपको साउंड चाहिए वो नहीं आ पाएगा। साउंड की बात चल रही है तो 95 डेसिबल तक ये बजर साउंड देगा। अभी इतना भी ज्यादा नहीं है, दैट इज व्हाई आई सेड कि डोमेस्टिक यूज करोगे तो बेटर है। फॉल्स ट्रिगर होने के चांसेस दोस्तों कम है क्योंकि ये सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमंस की ही मोशन डिटेक्ट करता है। तो अगर आपको एनिमल्स की मोशन डिटेक्ट नहीं करवानी है तो इसे 3-4 मीटर की हाइट पर इंस्टॉल करो। अगर आपको ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स की भी मोशन डिटेक्ट करवानी है तो इसे कम हाइट पर इंस्टॉल करो। अब इन क्वेरीज के अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरीज होंगी तो प्लीज कमेंट में पूछ लेना। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने नहीं किया है कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ही कुछ वीडियोस में हमेशा आपके लिए लाते रहूंगा।